हेलो फ्रेंड्स, आई एम आकाश फ्रॉम SSClasses.in एंड वंस अगेन आई वेलकम्स यू इन योर यूट्यूब चैनल साइंस के साथ। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 11th क्लास चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द चैप्टर वी विल कवर इन टू पार्ट्स। इन फर्स्ट पार्ट वी विल सी क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इन सेकेंड पार्ट वी विल कवर द टैक्सोनॉमिकल एड्स। दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी विल सी व्हाट इज द नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर। आखिर नॉमेनक्लेचर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीजेज। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, the total number of plants and animal species described so far is slightly more than 1.5 million. IUCN मतलब International Union for Conservation of Nature and Natural Resources के अनुसार 2004 में जो number of plant and animal species थी उनका number ए more than 1.5 million था। Some extreme estimate range from 20 to 50 million, but a more conservative and scientifically sound estimate made by Robert May places the global species diversity about 7 million. अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार स्पीसीज का नंबर कुछ अलग था। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि स्पीसीज का रेंज 20 टू 50 मिलियन के बीच था, लेकिन मोस्ट कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली एस्टिमेट ये रॉबर्ट मे नाम के साइंटिस्ट ने दिया, जिनके अनुसार ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी ये मोर देन 7 मिलियन है। फॉर अवॉइडिंग कन्फ्यूजन अबाउट आइडेंटिफाइंग एनी ऑर्गेनिजम्स, देर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डलाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को ऑल ओवर द वर्ल्ड आइडेंटिफाई करने के लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, ताकि पर्टिकुलर स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नाम से आइडेंटिफाई की जा सके, और इस प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। नाउ वी विल सी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का नेमिंग कैसे करते हैं। इसमें हम देखेंगे प्लांट्स के लिए ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ये सिस्टम काम करते हैं, और एनिमल के लिए ICZN मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ये सिस्टम काम करते हैं। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, जिसमें होमो मतलब जीनस और सेपियंस मतलब स्पीसीज। होमो हमें जीनस के बारे में बताता है और सेपियंस मतलब स्पीसीज। ऑर्गेनिजम्स का नॉमेनक्लेचर हमें कार्लस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया है, ये हमें ध्यान रखना होगा। नाउ वी विल सी रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर करने के लिए रूल्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लैटिन नेम होते हैं, लेकिन जब हम उसको लिखते तब हम इटैलिक्स में लिखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। ऑर्गेनिजम्स का नेम होता है उसमें फर्स्ट वर्ड होता है वो उसका जीनस के बारे में बताता है, और जो सेकेंड वर्ड होता है वो हमें उसके स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज के बारे में बताता है। जैसे हमने देखा होमो सेपियंस, जिसमें होमो मतलब जीनस और सेपियंस मतलब स्पीसीज था। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। जब हम बायोलॉजिकल नेम लिखते तब हम स्पीसीज और जीनस दोनों वर्ड अलग अलग लिखते हैं, ये हम उसके लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। बायोलॉजिकल नेम में जो फर्स्ट वर्ड होता है जीनस का वो हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट या जो सेकेंड वर्ड होता है वो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, मैंगीपेरा इंडिका ऑफ मैंगो। मैंगीपेरा इंडिका ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, जिसमें हम देख सकते हैं मैंगीपेरा ये एक जीनस का नाम है और इंडिका ये स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज का नाम है। और हम देख रहे हैं कि मैंगीपेरा मतलब जीनस में फर्स्ट वर्ड ए कैपिटल है और इंडिका ये स्पीसीज का नाम है, जिसमें फर्स्ट वर्ड ए आए वो स्मॉल लेटर में दिख रहा है। नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टू अंडरस्टैंड द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम देखेंगे स्पीसीज। स्पीसीज इज अ स्मॉलेस्ट टैक्सोन और कैटेगरी ऑफ नॉमेनक्लेचर।
वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। स्पीसीज एक नोमेनक्लेचर की स्मॉलेस्ट टैक्सोन और कैटेगरी है। हम एक स्पीसीज को दूसरे उसके क्लोजली रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मैंगीपेरा इंडिका, मैंगो, सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो एंड पैंथेरा लियो लायन, ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेलियट्स। जैसा कि हम देख रहे हैं, मैंगीपेरा इंडिका ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, सोलैनम ट्यूबरोसम ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है और पैंथेरा लियो ये लायन का साइंटिफिक नेम है। इसमें इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये हमें स्पेसिफिक एपिथेलियट के बारे में बता रहे हैं, और जो फर्स्ट वर्ड दिख रहा है मैंगीपेरा, सोलैनम और पैंथेरा, ये हमें इनके जीनस के बारे में बता रहे हैं। मैंगीपेरा, सोलैनम, पैंथेरा और जेनेरा रिफरेंस अनदर हायर लेयर ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी कॉल्ड जीनस। फर्स्ट वर्ड हमें जीनस के बारे में बता रहा है। जैसा कि हमें फ्लो चार्ट में देख रहा है, पैंथेरा एक जीनस का नाम है जिसमें लियो और टाइग्रिस नाम की दो स्पीसीज इंक्लूड है, और सोलैनम ये भी एक जीनस का नाम है जिसमें नाइग्रम एंड मेलोंगिना ए दो स्पीसीज इंक्लूड है। तो हम देख सकते हैं स्पीसीज एक स्मॉलेस्ट टैक्सोन और कैटेगरी होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, स्पीसीज एक नोमेनक्लेचर की स्मॉलेस्ट टैक्सोन और कैटेगरी होते हैं। एक जीनस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हो सकती है, जैसा कि हमें इस फ्लोर चार्ट से दिख रहा है। नाउ वी विल सी जीनस। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। जीनस स्पीसीज से एक बिगर टैक्सोन और कैटेगरी होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हो सकते हैं। जेनेरा और जीनस एक क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप होता है। एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल हैव टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग्स टू जीनस सोलैनम। पोटैटो और ब्रिंजल की अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन ये दोनों एक ही जीनस यानी सोलैनम में इंक्लूड है। लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। इसमें लियो, पार्डस और टाइग्रिस ये स्पीसीज का नाम है जो कि एक ही जीनस यानी पैंथेरा में इंक्लूड है। जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। कैट्स का भी एक अलग जीनस है जो कि फेलिस नाम के जीनस में इंक्लूड होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ कैट्स आर इंक्लूडेड इन जीनस फेलिस। Now we will see family. Family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. Family a species or genus से भी एक bigger taxon और category होती है, जिसमें different types of genera include होते हैं, लेकिन इसमें number of similarities ये बहुत कम होते हैं as compared to genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. जो फैमिलीज होती है उनका कैटेगराइजेशन कैसे होता है, तो इनका कैटेगराइजेशन ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ये दोनों फीचर से किया जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट फैमिलीज बाय फॉलोइंग फ्लो चार्ट। जैसा कि हम देख रहे हैं, सोलैनिसी नाम की एक फैमिली है जिसमें सोलैनम, पेटूनिया और दातुरा ये थ्री टाइप्स ऑफ जीनस इंक्लूड है। सोलैनिसी एक प्लांट की फैमिली है। फेलिडी, फेलिडी एक एनिमल फैमिली है जिसमें फेलिस और पैंथेरा ये टू टाइप्स ऑफ जेनेरा इंक्लूड है। Now we will see order. Order is a higher category which is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. Order ये species, genus और family से भी एक bigger order और taxon है, जो कि different types of families का assemblage है. The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. लेकिन जो similar characters होते हैं वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इन अ फैमिली। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉनहोलफुलेसी, सोलैनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। प्लीज लाइक कॉनहोलफुलेसी, सोलैनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट ऑर्डर बाय फॉलोइंग फ्लो चार्ट। जैसा कि हम देख रहे हैं, पॉलीमोनियल्स एक प्लांट का ऑर्डर है जिसमें कॉनहोलफुलेसी और सोलैनेसी ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज इंक्लूड होते हैं, और कार्निवोरा एक एनिमल का ऑर्डर है जिसमें फेलिडे एंड कैनेडे ये टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली इंक्लूड होते हैं। वी विल सी अबाउट क्लास। दिस इज द हायर कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्राइजिंग रिलेटेड ऑर्डर्स। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर के बाद एक हायर कैटेगरी का नाम आता है जिसको हम क्लास बोलते हैं। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट फैमिली इंक्लूडेड इन ऑर्डर।
लेकिन जो सिमिलर कैरेक्टर्स थे वो लेस ही नंबर होते एज कम्पेयर टू डिफरेंट फैमिलीज इंक्लूडेड इन ऑर्डर। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम स्पीशीज से जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास तक आते तब वो नंबर ऑफ सिमिलरिटीज इन अ पर्टिकुलर टैक्सॉन डिक्रीज हो जाती है। नाउ वी विल सी मोर अबाउट क्लास बाय फॉलोइंग फ्लोचार्ट। जैसा कि हम देख रहे हैं मैमेलिया नाम का एक क्लास है जिसमें प्राइमेटा एंड कार्निवोरा ऐसे दो ऑर्डर इंक्लूड होते हैं। प्राइमेटा ऑर्डर में मंकी गोरिला एंड गिबन इंक्लूड होते हैं एंड कार्निवोरा ऑर्डर में टाइगर कैट एंड डॉग इंक्लूड होते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट फाइलम। असेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर और क्लास के बाद एक अनदर लेवल ऑफ हायर कैटेगरी का नाम होता है जिसको हम फाइलम बोलते हैं। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। डिवीजन फॉर प्लांट्स। जैसा कि हमने देखा क्लास के बाद एक हायर लेवल ऑफ कैटेगरी का नाम होता है फाइलम, लेकिन वो एनिमल के लिए होता है। सेम क्लास के बाद प्लांट के लिए भी सेम स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर और क्लास के बाद एक हायर लेवल ऑफ कैटेगरी का नाम होता है जो पर्टिकुलर प्लांट के लिए हम यूज करते हैं जिसका नाम है डिवीजन। इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी और डिवीजन्स। वी विल सी किंगडम। किंगडम इज द बिगेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसमें हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ऐसे दो किंगडम देखते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का एक्चुअल अरेंजमेंट क्या होता है ये हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं सबसे पहले आता है स्पीशीज। स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट टैक्सॉन एंड किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सॉन। इसमें हम देख रहे हैं स्पीशीज के बाद आता है जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और फाइलम। लेकिन फाइलम हम एनिमल के लिए यूज करते हैं और डिवीजन हम प्लांट के लिए यूज करते हैं। और लास्ट आता है किंगडम जिसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम होता है। नाउ वी विल सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। इसका मतलब जितना लोअर टैक्सा होगा उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये मोर सिमिलर होंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज में नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर मिलेंगे, उसके बाद जीनस में और उसके बाद फैमिली में। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। इसका मतलब जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव होते नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होते। स्पीशीज जीनस और फैमिली में जब हम कंपेरिजन करेंगे तो फैमिली में सबसे कम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन स्पीशीज में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स मिलेंगे। स्पीशीज टू किंगडम जाते हैं तब हमें हायर कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये एक एनसीईआरटी का पर्टिकुलर और बहुत ही फेमस चार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को उनके टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में दिखाए, जिसमें हम देख रहे हैं कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और उनके फाइलम और डिवीजन। मैन जिसका बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका और फिट का बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टियम। सो आई विल सजेस्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर चार्ट एंड रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। इस चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने डिटेल में ऑर्गेनिजम्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग कैसे दिया जाता है विथ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स इफ यू रियली लाइक अवर वीडियोज देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।